بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. نبيك حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے انہیں کے نقش پا سے گنبد بے در چمکتا ہے نبی کے نبی نے سارے اسنا راز کھولے ہیں نبی نے سارے اسنا و خلا کے راز کھولے ہیں علم ان کا سب امکانات کے اوپر چمکتا ہے نبی کے تعجب کیا جو میرے لفظ لو دینے لگے تائب تعجب کیا جو میرے لفظ لو دینے لگے تائب خیالوں میں ہمیشہ گنبد خضرا چمکتا ہے نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے انہیں کے نقش پا سے گنبد بے در چمکتا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, نوائے رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ پروگرام اسٹیک گروپ آف کالجز ملتان کے تعاون سے آر پی نیوز پر آپ کی خدمت میں پورا رمضان پیش کیا جاتا رہا ہے. ناظرین محترم, ہم نے اپنے آج کے اس پروگرام میں
यकीनन जो मौजू मुंतखब करना था वो शब कदर के हवाले से है। आज 26 रमज़ान मुबारक और 27वीं शब है। इस शब के जो फजाइल और ताक रातों के जो फजाइल अल्लाह सुबहानहु व ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं और अपनी उम्मत को रमज़ान मुबारक के हवाले से और ताक रातों के हवाले से और ख़ास तौर पर शब कदर की तलाश के हवाले से जो तालीमात दी हैं, इन तमाम बातों पर हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ रहेंगे। यकीनन ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही कीमती होने वाला है। इसमें बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू होगी इबादात के हवाले से और अल्लाह सुबहानहु व तआला के इनामात के हवाले से। यकीनन मुझे आपको हम सबको तहरीक मिलेगी हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जिस मारूफ स्कॉलर को दावत दी है। आप इससे पहले भी उन्हें हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरी मुराद है अल्लामा ख्वाजा आशिक हुसैन साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अल्लामा साहब। जी बहुत शुक्रिया, वेलकम। अल्लामा साहब, रमज़ान मुबारक हमसे रुख्सत हुआ चाहता है, आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आप रमज़ान मुबारक के इन आखिरी अयाम में एक मुसलमान की, बंदे मोमिन की कैफियत क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हुए फिर शब कदर की जानिब आ जाए। नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रूहान दानिश साहब कि आज इस अहम मौजू पर आपने लबकुशा होने का मौका अता किया। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की खास इनायात और रहमतों में से एक अजीम रहमत का नाम है जो अल्लाह ताला बंदगाने खुदा की मगफरत के लिए भेजता है। ये एहतसाब का महीना है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये पाक महीना हम सब की निजात और बख्शिश का जरिया बनकर आया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर कदम रखते हुए जो तीन दुआएं की थी उनमें से एक दुआ ये भी थी कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक को अपनी जिंदगी में पाया और वो अपनी बख्शिश ना करा सका। तो इस हदीस के पेश नज़र हर बंदा मोमिन को अपने दामन में झांकना चाहिए कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है। चंद घड़ियां इस माह मुबारक की बाकी रह गई हैं, हमें सोचना चाहिए क्या हमने अपनी बख्शिश का सामान कर लिया है, क्या हमने अपने रब को राजी कर लिया है, क्या हम रमज़ानुल मुबारक में इस कदर इबादात बजा ला चुके हैं कि बरोज़े क़यामत ये हमारी शफ़ात करे। यानी किसी चीज का हकदार बनने के लिए हमें पहले कुछ ना कुछ कोशिश और काविश करनी पड़ती है। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि वो ईमान जो तुम्हें सुबह आजान की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है, तो जो बिस्तर से उठाकर जो ईमान तुम्हें मस्जिद तक नहीं ला सकता, वो कब्र से उठाकर तुम्हें जन्नत में कैसे ला सकेगा। जन्नत में जाने के हम सभी मुतमन्नी हैं, मगर क्या हमारे आमाल इस काबिल हैं। लिहाजा ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तरगीब देते हुए फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानं व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिस शख्स ने ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ लैलतुल क़द्र की रात में क़याम किया और तो अल्लाह ताला तबारक व ताला उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब जहाँ पर इस हदीस मुबारक में ईमान का तकाज़ा है वहाँ एहतिसाब का लफ्ज़ है, यानी मुहासबा नफ्स ये इंतहाई ज़रूरी है। पहले इनफरादी मुहासबा होगा, फिर हम इज्तमाई मुहासबा की बात कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो हर शख्स को देखना चाहिए कि ये माह मुबारक में मैंने क्या खोया, क्या पाया। आइंदा बरस ना जाने किसको ये मुकद्दस साते नसीब हूँ या ना हूँ। कितने लोग ऐसे थे गुज़श्ता साल हमारे दरमियान मौजूद थे और आज हमारी निगाहें उनको देखने से कासिर हैं। और ये रातें तो इसी तरह आती रहेंगी,
एक वक्त होगा ये रातें तो इसी तरह आएंगी मगर हम ना होंगे, लिहाजा इन बाबरकत घड़ियों से फैसयाब होने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन के उजाला के लिए, अपने रूह की बालिदगी के लिए, अपने अंदर की रोशनी के लिए सजदों की सौगात लेकर जाएं, आमाले सालेहा का जखीरा लेकर जाएं, तो शाय आखरत लोगों की भलाई की सूरत में लेकर जाएं तो वो हमारे काम आएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए आसान फरमाए मामलात को, इबादात को। ये फरमा दीजिएगा कि शब कदर माना क्या है इसका? ये देखिए, शब के माने तो रात के होते हैं, लैलतुल कद्र भी इसे कहा जाता है। कद्र के जो मुख्तलिफ मानी है, एक माने ये है कि कद्र व कीमत का है, यानी जैसे कद्र व कीमत कहा जाता है, यानी कि इस रात में इबादत करने वालों की अल्लाह ताला के हाँ बड़ी कद्र व मंजिलत होती है, इसलिए इसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। और दूसरा एक मानी इसका ये भी है, कद्र के मानी तंगी के होते हैं, यानी इस सूरत में मतलब ये होगा कि इस रात में इस कदर फरिश्ते नाजिल होते हैं कि रूए जमीन पर फैल जाते हैं, उन पर जमीन तंग हो जाती है, और वो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मैयत में नाजिल होते हैं, और वो फरिश्ते आकर इबादत करने वालों से मुसाफहा करते हैं। और तीसरा एक मानी कदर का वो ये है कि साहिब मर्तबा, यानी इस रात की इबादत आदमी को साहिब मर्तबा मकाम देती है। तो ये सारे मानी शब कदर के जो है, तो वो मुख्तलिफ हिसाब से लिए जा सकते हैं। फरमाइएगा कि शब कदर इसकी जो फजीलत है उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन इसका सबब क्या है? आप ये रात क्यों एक जो है वो मौज़म रात, अजीम शान रात मानी जाती है, कही जाती है? हाँ जी बिल्कुल रोहन दानिश साहब, ये अल्लाह तबारक व ताला की खसूसी इनायात और उम्मत मुहम्मदिया पर जो एहसानात और इनामात इलाहिया हैं, उनमें से एक इनाम इस रात की अता फरमोदा अल्लाह ताला की नेमत है। ये खासा है, इससे पहले किसी उम्मत को ऐसी कोई रात अता नहीं की जाती थी कि वो थोड़ा काम करें और बहुत ज्यादा अजर व सवाब उनको मिले, कई महीनों की इबादत का सवाब मिले, पहले किसी उम्मत को ऐसी रात नसीब नहीं हुई। हुआ ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता उम्मतों के अहवाल और उनकी उम्रों को मुलाहजा फरमाया, तो आपने देखा कि उन लोगों की कसीर और तवील उम्मतें उम्रें हैं। हजरत नूह अलैहि सलातु वसलाम के मुतालिक मशहूर है कि आपने 950 साल तक जो है वो तबलीग फरमाई है। ये तो तबलीग की उम्र है। जी तबलीग की उम्र है, बल्कि एक रिवायत में ये भी आता है कि आपके पास एक औरत हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी दुआ करें, मेरे बच्चे छोटी छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं। आपने पूछा कितनी उम्र में? वो कहते ऐसे 100-150 साल की उम्र में फौत हो जाते हैं, दुआ करें अल्लाह लंबी जिंदगी वाला मुझे बेटा दे। तो यानी ये उम्र उनके लिए मामूली सी उम्र होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मुलाहजा किया और इसी तरह, तो फिर देखा कि वो उम्मतें तो मेरी उम्मत से आमाल में सबकत ले जाएंगी, जाहिर है जिसकी उम्र तवील है उसी कदर उसकी नेकियां भी ज्यादा होंगी। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के एक आबिद का तज़करा किया गया जिसका नाम शमऊन था, या समऊन भी किताबों में मिलता है, और वो ऐसे इबादत गुजार थे जिन्होंने 1000 महीने तक इस तरह से इबादत की, दिन को वो रोजा भी रखते थे और साथ साथ नवाफिल और इबादात में मशगूल भी रहते थे। इफ्तार के बाद फिर वो जिर्रा जेब तन करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर निकल जाते थे, यानी 1000 महीनों तक उन्होंने इस तरह से इबादत की। नबी करीम अली सलाम के सहाबा ने जब उनका हाल सुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अकदस पर कुछ आसार नमूदार हुए, और यही आपको कैफियत तारी हुई कि आखरत में तो फिर वो उम्मतें मेरी उम्मत से आमाल में सबकत कर जाएंगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि शान है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनीन के लिए जो है उनकी भलाई के चाहने वाले हैं,
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रंजीदा खातिर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कद्र को नाजिल फरमाकर अपने महबूब करीम अलैहि सलातु वस्सलाम को तसल्ली और तशफ़ी दी। फरमाया महबूब अपनी उम्मत के अपनी उम्मतियों को फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी रात अता फरमाई है कि अगर उस एक रात में वो इबादत कर लें तो उस आबिद की हजार महीनों की इबादत से बेहतर अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम नवाए रमज़ान आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के तआवुन से आप देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक अल्लाह सुबहानहु व तआला का बरकतों, रहमतों और इनायात से भरपूर महीना हमसे रुख्सत होने जा रहा है। यकीनन रमज़ान मुबारक के इन आखिरी लम्हात में बहुत ज़रूरत है कि हम दिल गिरफ्ता होकर और एहसास नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर दें, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, हम इन कैफियात को पूरी तरह से महसूस करें और रमज़ान मुबारक के जाने का एहसास हमारे पूरे वजूद पर तारी होना चाहिए। मुमकिन मुबादा कि अल्लाह ताला को हमारी ये मोहब्बत और हमारी ये आजी ही पसंद आ जाए और हमें इन आखिरी लम्हात में उसकी जानिब से बख्शिश का परवाना मिल जाए। हम गुफ्तगू कर रहे थे शबे कदर के फजाइल के हवाले से, आइए एक बार फिर हम चलते हैं ख्वाजा आशिक हुसैन सईदी साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि शबे कदर के फजाइल और इसकी कदर व मंजिलत के हवाले से जो दीन में, शरीयत में और आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो अहकामात हैं उनकी वजूहात पर और उसके फजाइल व मनाकिब पर आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि शबे कदर के लुग़वी मानी पर बात चल रही थी। शबे कदर का एक मानी जो है वो तकदीर से भी होते हैं, यानी कदर बामानी तकदीर है, यानी इस रात में आइंदा साल तक जो कुछ होना होता है अल्लाह तबारक व ताला उसके फैसले फरमाता है, यानी तकदीरों के फैसले होते हैं। जिसने मरना होता है, जिसने पैदा होना होता है, जिसने हज उमरे पे जाना होता है, किसी को कोई मुसीबत तकलीफ पहुंचनी होती है या खुशी मिलनी होती है, उसके फैसले इसी रात में होते हैं। यानी जिस तरह के शबे बारात के बारे में ये मारूफ है कि उस रात में भी ये होता है, तो इसी तरह शबे कदर में भी ऐसा होता है। बल्कि इसकी तत्बीक यूं की जा सकती है कि शबे कदर में जो है वो इजमाली तौर पर होते हैं शबे बारात में, और शबे कदर में तफसीली तौर पर ये फैसले होते हैं। तो इस तरह ये दोनों बातें दुरुस्त साबित होती हैं। तो ये वो मुकद्दस रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। वैसे कुरान करीम 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नाजिल होता रहा, मगर लैलतुल कद्र में इजमाली तौर पर अल्लाह ताला ने पूरा कुरान जो है वो नाजिल फरमा दिया। दूसरे लफ्जों में इसको यूं भी बयान किया जा सकता है कि लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला ने सारा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमा दिया, और फिर आसमान दुनिया से जितना जरूरत पड़ती गई, कभी एक सूरत, कभी आधी सूरत, कभी जो है एक रकू और कभी कुछ आयात, ये 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा। इसलिए नज़ूल कुरान के हवाले से बात आई है, तो एक बात ज़िमनन और भी अर्ज करता चलूं। अरबी में नाजिल करने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, नज़ला और अनज़ला। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जो अनज़ल है इसके मानी होते हैं एकदम यक बारगी नाजिल करते इकट्ठे नाजिल करने के, और जो नज़लना है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़। अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के मुतालिक नज़लना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया, उसका मतलब ये होता है कि सलो सलो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, जैसे आपने फरमाया कि एक रात में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर वो अनज़लना हो गया और फिर 23 साल के अरसे में जी वो नज़लना हो गया। अच्छा, जज़ाकअल्लाह क़ारी साहब, ये फरमाइएगा कि अब आपकी गुफ्तगू से ये बात समझ आई कि कुरान और जिस तरह कहते हैं कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, यानी रमज़ान और कुरान का ताल्लुक है,
इसी तरह कुरान और शबे कदर का खास ताल्लुक हो गया, शबे कदर तो रमजान में ही है। जी बिल्कुल, बात तो एक ही है कि कुरान करीम के नजूल की वजह से रमजानुल मुबारक को ही इज्जत व एहतराम मिली। शहरु रमदान लजी उन्ज़िला फीहिल कुरान, अल्लाह फरमाते रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो रमजान में कुरान आया और कुरान में रमजान का जिक्र आया। और फिर जो रमजानुल मुबारक की वैसे तो हर घड़ी ही रहमत भरी है, हर लम्हा हर सात हर आन उसकी बरकतों और रहमत भरी है, हर दिन रहमतों वाला हर रात बरकतों वाली, मगर जो फजीलत और जो शान शब्बे कदर को हासिल है वो पूरे महीने में ये एजाज और ये फजीलत किसी और रात को हासिल नहीं है। बहुत शुक्रिया कारी साहब, इसमें मजीद मैं ये चाहूंगा आप इस पर भी रोशनी डालिए कि शबे कदर क्या ये 27वीं शब ही है इस वक्त जो हम गुजार रहे हैं, जिसकी जानी बढ़ रहे हैं, तो क्या ये मखसूस है? जी इस पर उलमा का बहुत इख्तलाफ है, बल्कि ये इख्तलाफ सहाबा किराम अलैहिम रिजवान में भी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया है कि इसे रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत है कि आका अलैहि सलातु वसलाम सहाबा किराम के पास तशरीफ लाए ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि शब्बे कदर किस रात को होती है। लेकिन आपने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब्बे कदर के मुतालिक आगाह करूं, मगर तुम्हारी लड़ाई की वजह से अब इसकी तायीन उठा ली गई है। यानी अब ये तायीन जो उठाई गई वो उम्मत के हक में थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से महव नहीं की गई थी, लेकिन उम्मत को बताने से जो है फिर रोक दिया गया। अब इससे इसमें बहुत सारी एक तफसील है बयान करने वाली कि, लेकिन जो हमारे लिए काबिल गौर जुमला है वो ये है कि देखिए आपस की लड़ाई का इस कदर वबाल है कि उससे शबे कदर जैसी बाबरकत जो रात थी उससे उम्मत जो है वो महरूम रह गई। हाँ जी, उससे महरूम रह गई। तो लिहाजा आज हमें चाहिए कि मामूली इख्तलाफात पर उलझने की बजाय आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद की फजा को परवान चढ़ाया जाए, नफरतों के कांटे बोझने की बजाय मोहब्बतों के फूल उगाए जाएं, क्योंकि हमारे मुआशरे में नफरतें तो पहले ही बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। आज हमें कभी लिसानी बुनियादों पर और कभी हमें तबकाती तकसीम में मुब्तला किया जाता है, कभी हमें सूबाई तकसीम में और कभी हमें इलाकाई तकसीम में तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है। और उम्मत मुस्लिमा जो यक जान थी, जो जसद वाहिद थी, उसको उसका शिराजा बखेर कर रख दिया गया है। तो बहरहाल मुस्लिम हरम के, हाँ जी, मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस पर उलमा का इख्तलाफ है कि शबे कदर कौन सी रात है। वैसे तो जहां हुजूर ने फरमा दिया से आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो तो कोई भी हो सकती है। इमाम आजम अबू हनीफा का 25, 27 और 29 इन पांच रातें बनती हैं। इन पांचों में से कोई भी हो सकती है। इमाम आजम अबू हनीफा का मौकफ भी यही है, लेकिन ज्यादातर हमारे कुछ बुजुर्गान दीन और सहाबा किराम जैसे हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हो कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह की कसम जो है वो शब्बे कदर 27 रमजान को ही होती है। और कुछ आइम्मा हमारे कुछ बुजुर्गान दीन का जो उन्होंने मुलाहजा किया है शब्बे कदर को, तो वो कहते हैं हमें शब्बे कदर जो है वो 27 रमजान में ही नजर आए। इस हवाले से एक जुमला जो है वो और भी अर्ज करता हूँ कि देखिये सूरत कदर को देखा जाए तो इसमें जो है वो 30 कलेमात हैं और उसमें 27वां कलमा है हिया, जो कि जमीर है, तो इसमें इशारा है वो, हाँ जी, वो राजे है लैलतुल कद्र की तरफ। इससे मुराद है कि वो 27 लैलतुल कद्र 27वीं रात है। और दूसरा, लैलतुल कद्र में 9 हरूफ हैं। कुरान करीम की सूरह कद्र में 3 मरतबा ये लफ्ज आए हैं, यानी अगर 9 को 3 से ज़र्ब दिया जाए तो हासिल ज़र्ब 27 है। इससे भी एक इशारा मिलता है कि लैलतुल कद्र जो है वो 27वीं रात ही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आदमी अगर अल्लाह की इबादत करे तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रात इबादत की जाए, अगर कदरदान हो तो उसके लिए हर रात ही लैलतुल कद्र है। माशाल्लाह,
और अच्छा ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया ना कि तायुन इसका उठा लिया गया और उसका बजाय सबब जो है वो आपस का झगड़ा हुआ दो लोगों के दरमियान या मुसलमानों के दरमियान, लेकिन इसके पसे पर्दा जो हिकमत है उस पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि अल्लाह ताला को इसका तायुन उठा लेने से बंदों से क्या मतलब है। देखिए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला अपने बंदों से चूंकि बेहद बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, उसका हर फैसला ही उम्मत के हक में बेहतर होता है। उसने जो फरमाया है यकीनन वही हमारे लिए बेहतर होगा, और उलमा ने इस पर जो हिकमतें लिखी हैं उसमें बेशुमार जो है वो काफी कलाम किया है। एक बुनियादी बात यह है, देखिए जिस शख्स को मालूम है कि ये शब कदर है उस रात की इबादत करेगा तो उस पर तो उसे अल्लाह ताला 1000 महीने की इबादत का सवाब अता फरमाएगा, लेकिन इंसान चूंकि खता का पुतला है, कोई शख्स ख्वाहिशात नफसानी में मुबतला होकर हो सकता था इस रात में किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाता, तो जिस तरह नेकियों का ये मामला है कि इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत का सवाब मिलता है, इसी तरह गुनाह का मामला भी है। अगर कोई शख्स एक गुनाह कर बैठता इस रात में तो उसे 1000 रात के गुनाहों का वबाल भुगतना पड़ता। तायुन की सूरत में ये कमजोर हम जैसे लोगों के लिए तो ये उम्मत पर एहसान है जी, अल्लाह ताला का ये भी एहसान है कि उम्मत पर करम फरमाया कि इसकी तायुन उठा ली, क्योंकि जानबूझ के अगर कोई शख्स अगर गुनाह का इल्म रखते हुए किसी गलती का मुर्तकिब होता है तो वो ज्यादा मुजरिम होता है। और वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला का ये दस्तूर है कि उसने अपनी रजामंदी को नेकियों में पोशीदा रखा है, अपनी नाफरमानी को अपनी नाराजगी को गुनाहों में और अपनी नाफरमानी में पोशीदा रखा है। जुम्मतुल मुबारक के हर जुम्मे में एक घड़ी एक साथ ऐसी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला ने उसको मख्फी और पोशीदा रखा ताकि मेरे बंदे पूरे जुम्मे की नमाज में उस घड़ी के हुसूल के लिए कोशिश और काविश करें। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इस्म है इस्मे आजम, उसके नाम के वसीले से जो दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, लेकिन उस नाम को अल्लाह ने अस्माए मुकद्दसा में पोशीदा रखा ताकि बंदे जो है हर इसमें इलाही की ताजीम करें। इसी तरह अल्लाह ने विलायत को अपने बंदों में मख्फी और पोशीदा रखा ताकि मेरे बंदे हर हर बंदे की कदर और ताजीम करें, न जाने कौन सा बंदा इनमें से अल्लाह का वली है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने दुआओं की कबूलियत को भी मख्फी और पोशीदा रखा ताकि बंदा ए मोमिन जो है ज्यादा से ज्यादा दुआएं अल्लाह की बारगाह में करता रहे। बहुत शुक्रिया जी, तो ये चाह रहा है कि जी मैं बात को करूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने शब कदर को भी मख्फी रखा ताकि मेरे बंदे हर रात को जो है ज्यादा से ज्यादा इबादत करके नेकी को पाने की जस्तजू करें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। अब हमने क्लोज करना है प्रोग्राम, मेरे ख्याल में वक्त आपका जी, बस मैं इसी वजह से बार बार कदर कलामी की तरफ आ रहा था, मैं मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, माजरत चाहते हुए मैं चाह रहा था कि हम गुफ्तगू क्लोज करते हुए आप ये फरमा दीजिए कि शबे कदर के लिए इबादात का जिस तरह से आपने तस्करा फरमाया और शौक का तस्करा फरमाया और कैफियत का तस्करा फरमाया, इसके लिए कोई मख़सूस दुआ या इबादत भी है कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को खुद भी बेदार होते थे, अपने अहले खाना को भी बेदार रखते थे, उनको जगाते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एहतमाम करते थे, गुस्ल फरमाते थे, खुशबू लगाते, हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन सहाबा कराम बाकायदा एहतमाम करते थे। हजरत तमीम दारी रहमत रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के मशहूर सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी में फानूस रोशन किया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बड़े खुश हुए, फरमाया किसने ये फानूस ये रोशन किया है? कहा गया कि तमीमदारी ने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं तमीमदारी के निकाह में देता। एक बुजुर्ग सहाबी बैठे थे हजरत नौफल, उन्होंने जब सुना तो अर्ज की या रसूलुल्लाह हमारी बेटियां तो आप ही की बेटियां हैं। तो वो हजरत तमीमदारी 1000 दिरहम का एक जो है वो सूट बनवाते थे और इस रात में स्पेशल शब कदर में इबादत के लिए उसको पहना करते थे। इसी तरह और भी कई बुजुर्गों के इसी तरह अहवाल हैं, यानी इस रात में जो खसूसी तौर पर इबादत वो करने चाहिए जिसमें सजदा हो, क्योंकि सजदे की हालत में बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब ज्यादा नसीब होता है। लेकिन उसमें यह भी नहीं है कि हम सिर्फ नवाफिल पढ़ते रहें, कजा नमाजें अगर आपके जिम्मे हैं तो नमाजें कजा पढ़िए, ये भी अल्लाह ताला को महबूब है। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शब्बे कदर है तो मुझे कौन सी दुआ मांगनी चाहिए?
चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा इन्नाका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी, यानी या अल्लाह बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है, बस मुझे भी माफ फरमा दे। दुआओं में इबादत में जो सबसे बड़ी दुआ है वो अपने गुनाहों पर माफी का जी बिल्कुल तलबगार होना है, मुहासबा भी करना चाहिए, तौबा ताएब भी होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं जो शख्स लैलतुल कद्र में 7 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाता है जिसमें उस शख्स को मकाम अता फरमाएगा। क्लोज करते हुए बिल्कुल आखिरी लम्हात है, मैं चाहूंगा कि आप ये जो माफी का तज़किरा आया है, हमने अल्लाह तआला से तो माफी मांगनी है और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें हमारी माफ़ी को कबूल करें, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से पैगाम दें कि हम आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। इस रात में क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया कि हम जहाँ अल्लाह से अपने माफ़ी के तलबगार होते हैं वहाँ हम एक दूसरे को भी माफ़ करें? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक दूसरे से माफ़ी जो है वो मांगने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के ला यहलु लिरजुलिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासती अय्याम, के किसी भी मुसलमान के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा दिन तक छोड़े रखे, यानी अपने किसी शरी उजर के बगैर मामूली बातों पर किसी से कतअ ताल्लुक नहीं करना चाहिए। और जो शख्स माफ़ी मांगे तो वो जो माफ़ी मांगने वाला है उसने अपना हक अदा कर दिया है। बिला वजह शरई अगर कोई शख्स जिससे माफ़ी मांगी जा रही है वो माफ़ नहीं करता तो फिर वो अल्लाह के हुजूर उसका खुद ही जवाब दे है, उसे चाहिए कि वो माफ़ी मांगने के अमल में उसकी भी हेल्प करे और मामूली बातों पर रंजिशों को जो है वो बीच में नहीं लाना चाहिए, आखिर मर जाना है। नाज़रीन मुहतरम, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है, ये इफ्तार के खूबसूरत लम्हात हैं, दुआ की कबूलियत के औकात हैं, ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने अर्श वालों के दरमियान में, फरिश्तों के दरमियान में अपने रोज़ेदार बंदों पर फख्र कर रहा है। और जैसे कि कारी साहब ने फरमाया कि शबे कदर या ताक रातों के हवाले से, ख़ास तौर पे शबे कदर के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ तालीम दी उम्मत को वो माफ़ी के हवाले से। आइए हम सब मिलकर अल्लाह की जनाब में हाजिर होते हैं, कारी साहब से दुआ के लिए गुजारिश करते हैं, अपनी झोलियाँ फैलाकर गर्दनें झुकाकर आहुजारी करते हुए उसकी जनाब में अपनी मनाजात को पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बल आलमीन। रहम व अंत खैरुर राहिमीन। اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب اللهم اجلنا من النار ارحم يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اے پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ اس ماہ مبارک کے فیضان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما جتنے ایام جتنی ساعتیں جتنی گھڑیاں باقی ہیں ان سے زیادہ برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پاک مہینے کے صدقے ہمارے والدین کی آبا و اجداد کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما اے رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرما قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے عقیدے اور ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اس ماہ مبارک کے جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہوں اس ماہ مبارک کی بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دینا اور مولا کریم اس پاک مہینے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان بنا بروز قیامت اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمانا مولا ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما آج کی رات جہاں تیری رحمت بے پایا اپنے بندوں پر چھما چھم برسے گی مولا ان مغفرت یافتہ لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دینا یا اللہ ہم خطا کار ہیں گنہگار ہیں بدکار ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمارے حال پر رحم فرما اور ہماری جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما آمین آمین بحرمت سید المرسلین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ।